हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि हाफ पिक्चर की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम मेरे पास किस तरीके की आई है, जो कि आपको देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये हमारा सेट है और ये सेट ऑन हुआ, लेकिन इसकी जो पिक्चर है हाफ पिक्चर नो पिक्चर है, स्लो मोशन भी दिखा रहा है कई बार, और कई बार नो पिक्चर में हो जाता है दोस्तों ये। और हाफ पिक्चर इसकी बिल्कुल ओके वर्किंग में है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आती है, ये हमारी गेट कॉफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, गेट कॉफ है, 1 2 3 हमारी गेट कॉफ इसके अंदर लगी हुई है। तो इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारे को रिक्वायरमेंट होती है गेट कॉफ के डेटा शीट की। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मेरे पास ये डेटा शीट है और यहाँ पे मैंने 2 गेट कॉफ को यहाँ पे सेपरेट किया है, यानी कि टेप लगा के उसको फिक्स किया है, ताकि मैं यहाँ पे अच्छे से जो है वोल्टेज चेक कर सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो है हम वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा 1 नंबर जो टेस्टिंग पॉइंट है उस पर VGH वोल्टेज आता है। तो VGH का मतलब होता है वोल्टेज गेट हाई वोल्ट। तो गेट हाई वोल्ट का मतलब ये हो गया कि हमारी ये जो पैनल के अंदर जो हाई वोल्ट बनती है वो मैक्सिमम 20 से 30 वोल्ट के अराउंड बनती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो एक कॉफ पे जो कॉफ ओके वर्किंग में है उसकी जो वोल्टेज मेरे को मिल रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 22 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे मेरे को वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए 22 वोल्ट मुझे प्रेजेंट मिल रहा है। लेकिन मैं अगली कॉफ में जब चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को वोल्टेज जो मिल रहा है बिल्कुल भी, ये देखिए यहाँ पे मेरे को बिल्कुल वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ये देखिए 2 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे मेरे को वोल्टेज मिल रहा है, जो कि पैनल के लिए प्रॉपर नहीं है, जिससे कि हमारा ये पैनल काम प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा, यानी कि ये कॉफ वर्किंग में नहीं आएगी। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, पहले मैं इसको जम्पर के थ्रू VGH वोल्टेज देकर चेक करता हूँ कि जो VGH वोल्टेज देने पर हमारी क्या कंडीशन रहती है कॉफ के ऊपर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रैक्टिकली। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए नंबर कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसमें मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से पैनल को कैसे रिपेयर करना है हर तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि पैनल को रिपेयर करने के कई टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है VGH पॉइंट पर। अभी VGH पॉइंट पर जोड़ने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ऑन करके हल्का सा टच कर देखेंगे कि जो हमारी वोल्टेज है वो बनती है, बनने के बाद पिक्चर जो है हमारी वो कंप्लीट होती है या नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने पावर लगाया दोबारा से और मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये हमारा सेट ऑन हो गया और मैं यहाँ पे क्या है हल्का सा टच करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये पिक्चर हमारी बिल्कुल प्रॉपर ऑन हो गई है, ब्लू स्क्रीन ये देखिए, और ये मैंने हटा दिया और ये हमारी पिक्चर हाफ हो गया। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है हमारी, जो कॉफ के ऊपर वोल्टेज कम जाने की वजह से इस तरीके की दिक्कत आ रही है। तो चलिए अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से एक जम्पर देकर ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको जम्पर दे दूंगा और जिससे कि हमारा पैनल प्रॉपर वर्किंग में आ जाएगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो काम करते हैं बिल्कुल बारीकी काम होता है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट काम करना पड़ता है दोस्तों। तो इसके अंदर कोई पिन आपकी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, अगर ये पिन शॉर्ट होती है या कॉफ हल्की सी भी बर्न होती है तो आपका जो काम है ये बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे जम्पर लगा दिया है प्रॉपर तरीके से और अभी सेट को ऑन करते हैं।
यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारी जो पिक्चर है वो पूरी आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग और पैनल रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एडवांस एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।